वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ चंद्रीमा। मैं हूँ चंद्रीमा और आज की हमारी रेसिपी है आलू पकौड़ा, यानी कि पटाटो पकौड़ा। बहुत ही क्रिस्पी, सॉल्टी, डिलीशियस, 5 मिनट में बन जाने वाली मॉनसून स्नैक है ये। बहुत ही इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं बारिश के मौसम में। तो चलिए, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है उसको क्लिक कीजिए और उसके पास जो रिंग बटन है उसको भी, ताकि आपको मेरे चैनल की हर रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पर मैंने 2 पोटैटोज़ ले लिए हैं, 2 आलू ले लिए हैं। आलू एकदम फ्रेश होने चाहिए और उनको हम एक पिलर की मदद से, इसका जो स्किन है उसको हम पील कर लेंगे। देखिए, झटपट से सारे जो आलू है उसके स्किन को हम पील कर लेंगे। आप विथ स्किन भी इसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख सकते हैं, अभी एक चाकू की मदद से हम इसको स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस जो है वो 1 इंच का 1/3 पोर्शन ही होना चाहिए, उससे मोटा नहीं। अभी झटपट से हम सारे आलू को ऐसे स्लाइस कर लेंगे। अब देख सकते हैं, इससे ज़्यादा मोटा होगा तो जब हम इसको तलेंगे तो ये अनकुक्ड रह सकते हैं। तो अभी बैटर बना लेते हैं। बैटर के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और एक छलनी, और उसके ऊपर यहाँ पे 1 कप बेसन हम डाल रहे हैं। बेसन को अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि हम जो बैटर बनाए उसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो इस बैटर के ऊपर यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट के डाल दिए हैं, 1/2 टेबल स्पून डाल दिया है काला जीरा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे पिंच ऑफ हम डालेंगे हल्दी के, यानी कि थोड़ी सी हल्दी कलरिंग के लिए, और उसके साथ साथ एक पिंच, यानी कि आप 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम आप ले सकते हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा, और उसी के साथ साथ हम ऐड कर रहे हैं पानी। पानी यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऐड किया है, आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मिला सकते हैं। अभी एक विस्कर की मदद से हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप में से बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं मॉनसून स्पेशल कोई पकौड़ा स्नैक्स देने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो मुझे इनबॉक्स करने की जगह आप कमेंट कीजिए, तो फिर मुझे भी याद रखने में आसानी होगी कि आपको कौन सी रेसिपीज चाहिए इसके बाद। तो चलिए, अभी बैटर रेडी हो चुका है। अभी हमें एक एक करके जो पटेटो स्लाइस है, यानी कि आलू के जो स्लाइस है, इसको डिप कर देने हैं हमें बैटर में। ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे पटेटोस को डिप कर देंगे, और उसी के साथ साथ हम एक पैन रेडी कर लेंगे फ्राई करने के लिए। यहाँ पे डीप फ्राई करने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने तेल रेडी कर लिया है। तेल मैंने यहाँ पे वाइट ऑयल यूज़ किया है। अब देखिए, यहाँ पे पटेटोस का जो एक्सेस बैटर है उसको हम श्रेड कर लेंगे ऐसे, और तेल गर्म होने के साथ साथ एक एक करके हम सारे पकौड़े को तलने के लिए छोड़ देंगे तेल में। अच्छे से 1 मिनट तक एक साइड से पकने के बाद हम इसको धीरे धीरे करके इसके साइड जो है वो चेंज कर देंगे, यानी कि उलट देंगे, और दूसरे साइड से भी हम इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं, अभी से ये बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं। अभी दूसरे साइड से 1 मिनट तक पकाने के बाद एक छलनी की मदद से इसको उठा लीजिए, और बस टिश्यू पेपर पे हमें रख देना है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोक कर ले और हमें एकदम से क्रिस्पी पकौड़े मिल जाए। तो लीजिए, तैयार है एकदम गोल्डन कलर के क्रिस्पी पकौड़े। बहुत ही ईजी है, आपको अगर थोड़ा सा तीखा पसंद है तो आप इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। आप देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बाहर से जितने ही क्रिस्प है अंदर से उतने ही नरम है। एकदम कुक्ड रेडी है। आप इसको टमाटो सॉस के साथ या फिर पफ्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। घर में मेहमान आ गए हैं तो झटपट से बनाइए, और ये रेसिपी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।